तो जहां अब तक कोरोना और ओमिक्रॉन जैसे वेरिएंट खत्म नहीं हुए, उसी बीच एक नया वेरिएंट सामने आया है जिसका नाम आर्कट्यूरस बताया जा रहा है। और ये वेरिएंट कोरोना और ओमिक्रॉन से काफी ज्यादा खतरनाक है बताया जा रहा है। ये काफी तेजी से शरीर में फैलता है और ये अब कई देशों में ये बच्चों में देखने मिल रहा है। बच्चों को काफी तेजी से ये वायरस फैल रहा है जिसके लक्षण ओमिक्रॉन से काफी अलग बताए जा रहे हैं। जहां डेल्टा ओमिक्रॉन के बाद अब एक नया कोविड नया वेरिएंट अब ये दशक फैला रहा है और कई देशों में ये बच्चों में देखने मिल रहा है। और ये काफी इसके लक्षण जो है वो काफी अलग है। इस वेरिएंट में तेज बुखार, जुकाम, खुजली होना, आंखों का लाल होना और जलन जैसी समस्याएं हो रही है। और बताया जा रहा है कि ये वेरिएंट तेजी से बच्चों में फैलता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप देखा जाए तो देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वही कोरोना के मामले बुधवार को 10,158 नए मामले सामने आए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 44,998 हो गई। और सरकार ने लोगों से एहतियात बरतने की सलाह दी है। और अगर देखा जाए तो वहीं दिल्ली में भी कोविड के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के साथ महाराष्ट्र में, लखनऊ में, हर जगह सरकार ने सतर्क रहने के लिए कह दिया है सभी को। और बताया जा रहा है कि ये जो नया वेरिएंट है आर्कट्यूरस, ये दो वेरिएंट से मिलकर बना है और ये काफी खतरनाक भी बताया जा रहा है, जो कि शरीर में तेजी से फैलता है।